सो मेजरली अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बानिज, उनका मेन स्कोप क्या है कि जो भी बच्चा हमारे पास आए पढ़ने वो जेन्युइन हो, ठीक है. तो जेन्युइन इन टर्म्स ऑफ वो मतलब जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनको ही स्टूडेंट वीज़ा देना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत चूजी हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग कि किसको वीज़ा ग्रांट दिया जाए किसको ना दिया जाए. तो मेजरली हमारे जो इंडियन की सोच है आजकल जो माइंडसेट है, हम मेजरली सोच रहे हैं कि हम सिर्फ नर्सिंग के प्रोग्राम के लिए जाएंगे या सोशल सर्विस वर्कर के प्रोग्राम के लिए जाएंगे तभी हमें पीआर मिलेगी. बट ये थोड़ा जो गलत मिथ है इसको मैं थोड़ा ठीक करना चाहूँगी, जिसमें कि देर आर वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स इन ऑस्ट्रेलिया विच कम्स अंडर स्किल शॉर्टेज लिस्ट. तो स्किल शॉर्टेज लिस्ट एक लिस्ट है जिसमें कि जो जो कोर्सेज हैं जो बहुत हाई डिमांड में हैं ऑस्ट्रेलिया में वो प्रॉपर लिस्टेड हैं, जिसके अंदर फूड टेक्नोलॉजिस्ट, डेटा एनालिस्ट, प्रोग्रामर, आईसीटी जिसको हम कह देते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं, जिसका मतलब है सिर्फ एक प्रोग्राम पे बच्चा कंसंट्रेट ना करे, देर आर अदर ऑप्शंस टू. तो मेजरली अभी के जो नया अपडेट आया है उसमें है वीज़ा हॉपिंग का. तो वीज़ा हॉपिंग में क्या है, बच्चे जो टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर्स हैं या विजिटर वीज़ाज हैं, वीज़ा होल्डर्स हैं, तो वो वहाँ जाके अपना मतलब परमिट बढ़ाने के लिए दोबारा इनरोल कर रहे हैं फॉर द स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम, जो कि जिसके लिए जो एंथनी है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक वीज़ा हॉपिंग का मतलब काम बंद किया है. उन्होंने मेजरली ये बोला है कि अगर उनको वीज़ा एक्सटेंड करना है सो वी आर हैप्पी टू गिव देम परमानेंट रेजिडेंसी, बट दे शुड बी इनरोल्ड इन अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन वर्क्स और कोर्सेज. तो जिसके अंदर की बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको चार डिस्कस किया है, कार्डियो का प्रोग्राम ले लीजिए, आजकल रेडियोलॉजी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, सोशल सर्विस वर्कर, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, डेटा प्रोग्रामर, ठीक है, मिड वाइफरी के कोर्सेज, अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग. तो दीज काइंड ऑफ कोर्सेज आर वेरी मच इन डिमांड. सो डोंट ओनली कंसंट्रेट ऑन पर्टिकुलर प्रोग्राम कि इसमें ही आएगा, जो कि हमारा गलत मिथ बना हुआ है. सो दिस इज़ द थिंग. सो मेजरली अभी जो नया मतलब अपडेट आया था जो कि जुलाई इनटेक से इंट्रोड्यूस हुआ था, मेजरली मई अप्रैल मई के टाइम पे आया था, जिसमें कि उन्होंने जो अपना जेन्युइन टेम्प्रेरी एंट्रेंट का जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया था जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट में. मतलब पहले प्रॉपर जीटी था एंड दैट हैज़ बीन चेंज टू जीएस नाउ. तो उसमें क्या है, वो शॉर्ट ये बोलना चाहता है कि हमें स्टूडेंट्स ही वो चाहिए जो फाइनेंशियली साउंड हों, रेलेवेंसी हो उनके मतलब बैकग्राउंड वाले प्रोग्राम से, एंड उनका मेन मोटिव इज ओनली स्टडी. तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया में, एंड लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, बट अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रिक्ट नहीं हुआ, दे वांट अ वेरी गुड स्टूडेंट्स. वो नहीं चाहते कि कोई भी एक्स वाई जी स्टूडेंट ओनली फॉर अ लेबर काइंड ऑफ वर्क हमारे इंडिया में मतलब हमारे ऑस्ट्रेलिया में आए, दे वॉन्ट अ particular skilled worker so that they can boost their economy. So if I talk about July intake, I know ki bahut upar niche wala raha hai because naya GS tha and everyone was very tensed ki kya hoga kyunki naya criteria introduced hua tha, but now July intake has gone and yes like bahut acha hai ki humne bahut acche visas bhi liye hain, but November intake mein hum us padhav se आगे निकल गए हैं, ठीक है. तो जीएस हमने ऑलरेडी फेस कर लिया है, तो नवंबर इनटेक में बहुत ज़्यादा वीज़ाज आने वाले हैं जो जुलाई इनटेक में नहीं आए, ठीक है. तो नवंबर इनटेक में आई नो कि बहुत बड़ा मतलब हाइप होने वाली है फॉर द वीज़ा ग्रांट्स. तो इफ़ आई टॉक अबाउट द नवंबर इनटेक, सो देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ वेयर नवंबर इनटेक इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है. अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ की, तो डीकन यूनिवर्सिटी, वी कैन से लट्रोब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न क्वींसलैंड, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, दीज यूनिवर्सिटी आर ऑलरेडी एक्सेप्टिंग लाइक फॉर नवंबर इनटेक.